Good morning, students. Today I am going to explain chapter 12, which is addition of two digit number. आज मैं आपको जो chapter explain करने वाली हूँ वो है two digit number को हम किस तरीके से add करते हैं. In this lesson, you will learn to add two digit number. इस lesson में आप सीखेंगे कि हम दो digit को किस तरीके से add करते हैं. तो चलिए start करते हैं. एडिशन ऑफ टू डिजिट नंबर्स विदाउट रीग्रुपिंग. तो सबसे पहले हम सिंपल एडिशन सीखेंगे जिसमें हम जो डिजिट हमें दी हुई हैं उनको बिना रीग्रुप के ऐड करेंगे. चलिए एग्जांपल वन देखते हैं. इस एग्जांपल में हमें ऐड करना है 12 एंड 53 को. तो जब हम टू डिजिट को ऐड करते हैं तो सबसे पहले हमें ये ध्यान रखना होता है कि जो हमारी वंस प्लेस पर जो डिजिट है हम सबसे पहले उन्हें ऐड करेंगे. देन वी विल ऐड द डिजिट ऑफ टेंस प्लेस. सो इट्स क्लियर टू यू. तो चलिए स्टार्ट करते हैं. सबसे पहले हम वंस की प्लेस पर डिजिट देखेंगे कौन कौन सी हैं. तो वंस प्लेस पर हमारी डिजिट है 2 एंड 3. तो सबसे पहले हम इनको ऐड करेंगे, यानी 2 प्लस 3 को जब हम ऐड करेंगे तो हमें आंसर क्या मिलेगा, 5. देन वी विल ऐड द डिजिट ऑफ टेंस प्लेस. और टेंस प्लेस पर हमारी डिजिट है 1 एंड 5. दो वैन वी विल ऐड 1 एंड 5, वी विल गेट द आंसर 6. सो वी कैन से 12 प्लस 53 इज इक्वल टू 65. लेट्स सी अनदर एग्जाम्पल. इन दिस एग्जाम्पल वी हैव टू ऐड 22 एंड 25. सिमिलर टू प्रीवियस एग्जाम्पल, हम सबसे पहले वंस की प्लेस पर जो डिजिट हैं उनको ऐड करेंगे, उसके बाद हम टेंस की प्लेस पर जो डिजिट है उन्हें ऐड करेंगे. तो सबसे पहले हम देखेंगे वंस प्लेस पर कौन सी डिजिट है, 2 एंड 5. और जब हम 2 और 5 को ऐड करते हैं तो हमें आंसर मिलता है 7. उसके बाद हम टेंस प्लेस पर जो डिजिट है उनको ऐड करेंगे, यानी 2 प्लस 2 मेक्स 4. तो दैट मीन्स 22 प्लस 25 इक्वल्स टू 47. लेट्स सी थर्ड एग्जाम्पल. इसमें भी हम उसी तरीके से ऐड करेंगे, पहले वंस की प्लेस पर जो डिजिट है उसके बाद जो टेंस प्लेस की डिजिट है. तो वंस प्लेस पर हमारी डिजिट है 2 एंड 4. तो सबसे पहले हम इन्हें ऐड करेंगे. जब हम 2 और 4 को ऐड करते हैं तो हमें आंसर मिलता है 6. और जब हम 5 और 2 को ऐड करते हैं तो हमें आंसर मिलता है 7. तो वी कैन से 52 प्लस 24 इज इक्वल टू 76. नाउ एडिशन ऑफ टू डिजिट नंबर विद रीग्रुपिंग. अब हम नंबर्स को रीग्रुप करके किस तरीके से एडिशन करते हैं ये सीखेंगे. या फिर आप ये भी कह सकते हो कि हम जब कैरी लेते हैं तो हमें कैरी लेकर किस तरह ऐड करना है हमें ये सीखना है. तो चलिए स्टार्ट करते हैं. इसमें भी हमें सबसे पहले ये ध्यान रखना है कि हमारी वंस प्लेस पर कौन सा डिजिट है और उसके बाद टेंस प्लेस पर कौन सा डिजिट है. तो ये वाली जो साइड होती है हमारी वंस की प्लेस होती है और जो दूसरी साइड होती है वो हमारी टेंस की प्लेस होती है. चलिए ऐड करते हैं. इसमें भी हम पहले वंस प्लेस की डिजिट को ऐड करेंगे, देन वी विल ऐड टेंस प्लेस डिजिट. तो वंस प्लेस पर हमारी डिजिट है 6 एंड 9. जब हम 6 और 9 को ऐड करते हैं तो हमें आंसर मिलता है 15. अब 15 में 2 डिजिट हो गई तो हम 2 डिजिट तो एक साथ नहीं लिख सकते. तो हम क्या करेंगे, जो हमारी वंस की प्लेस पर जो डिजिट है हमारे आंसर में यानी 5, उसको हम वंस प्लेस के नीचे लिख देंगे. और जो हमारी टेंस प्लेस पर डिजिट है यानी 1, वो हमारी कैरी फॉरवर्ड हो जाएगी. ओके, अब हम जब टेंस की डिजिट को ऐड करेंगे तो ये 1 भी हमारा उसी में ऐड होगा क्योंकि ये टेंस प्लेस है. तो ऐड चलिए ऐड करते हैं. 4 प्लस 3 पहले हम ऐड करेंगे. तो 4 प्लस 3 ऐड करेंगे तो हमें आंसर मिलेगा 7. और 7 में जो हमारी ये जो हमने कैरी लिया है 1, ये ऐड करेंगे तो हमें आंसर हो जाएगा 8. सो वी कैन से 46 प्लस 39 इज इक्वल टू 85. चलिए इसी तरीके से दूसरा एग्जांपल देखते हैं. यहाँ हमें ऐड करना है 58 एंड 36 को. प्रोसेस सेम रहेगा हमारा, पहले वंस की प्लेस की डिजिट जो है उसके बाद टेंस की प्लेस पर जो डिजिट है उनको ऐड करना है. तो चलिए पहले वंस प्लेस की डिजिट को ऐड करते हैं,
यानी 8 और 6, तो 8 प्लस 6 इज इक्वल टू 14। तो जब भी हम, आपको ये बात याद रखनी है कि जब भी हम ऐड करते हैं हमारा आंसर टू डिजिट में आता है, यानी 10 से ऊपर या 10 या 10 से ऊपर, तो जो हमारे टेंस की प्लेस है वो कैरी फॉरवर्ड हो जाती है। ठीक है बच्चों, तो चलिए देखते हैं अब यहाँ पर हमारी वंस प्लेस पर कौन सी डिजिट है, 4। तो 4 हम लिख देंगे वंस प्लेस के नीचे, और जो 1 है हमारा यानी जो टेंस प्लेस की डिजिट है वो कैरी फॉरवर्ड हो जाएगी। तो अब हम जब टेंस की प्लेस पर जो डिजिट उनको ऐड करेंगे यानी 5 और 3 को, तो हमें आंसर मिलेगा 5 प्लस 3 इज इक्वल टू 8, और जो 1 हमने कैरी लिया है वो भी हम इसी में ऐड कर देंगे तो हमारा आंसर हो जाएगा 9। तो दैट मीन्स 58 प्लस 36 इज इक्वल टू 94। आई होप आपको ये एडिशन समझ में आ गया होगा अच्छे से। अब आप इसकी प्रैक्टिस करेंगे घर पर। थैंक यू स्टूडेंट्स, हैव अ गुड डे।